शिक्षार्थियों नमस्कार। NIOS के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर पतंजलि मिश्रा और आज जिस विषय पर परिचर्चा करने के लिए हम लोग यहां पे इकट्ठे हुए हैं वह विषय है भाषा, बोली एवं लिखित भाषा। और हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में मिजोरम विश्वविद्यालय मिजोरम के शिक्षा विभाग में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कृष्णकांत त्रिपाठी है। डॉक्टर त्रिपाठी, आपको नमस्कार और आपका स्वागत है इस स्टूडियो में। धन्यवाद मिश्रा जी। नमस्कार मिश्रा जी, नमस्कार शिक्षार्थियों। इस विषय की संकल्पना जो है भाषा, बोली एवं लिखित भाषा, यह भाषा के अध्यापन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जब तक हम इन तीनों के संप्रत्ययों को ठीक तरीके से नहीं समझेंगे और तीनों के अंतर संबंधों और तीनों में क्या अंतर है इसको ठीक तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक जो है भाषा का अध्ययन अध्यापन हमारे लिए करना संभव नहीं होगा। तो हम डॉक्टर त्रिपाठी से यह निवेदन करेंगे कि वह इन तीनों की संकल्पना को ठीक तरीके से उदाहरणों की सहायता से और स्पष्ट तरीके से हमारे शिक्षार्थियों तक रखें। डॉक्टर त्रिपाठी। धन्यवाद मिश्रा जी। जैसे कि हमने पहले चर्चा की भाषा के संप्रत्यय में कि भाषा एक व्यापक संकल्पना है और भाषा के व्यापक संकल्पना में विभिन्न नाम आते हैं। बोली भाषा और लिखित भाषा ये प्रमुख रूप हैं भाषा के। इनके अलावा भी शिक्षाविदों ने या जो भाषाविद हैं विशेष रूप से उन्होंने भाषा के अन्य रूप भी अन्य नाम भी बताए हैं, जैसे कि साहित्यिक भाषा, राजभाषा या प्रशासनिक भाषा, राष्ट्रभाषा, शुद्ध भाषा, अशुद्ध भाषा, शास्त्रीय भाषा, परिनिष्ठित परिष्कृत भाषा, मूल भाषा, विभाषा, बोली, व्यक्तिगत बोली, अपभाषा, विशिष्ट भाषा, कूट भाषा, कृत्रिम भाषा, आदर्श या मानकीकृत भाषा आदि आदि नाम है। लेकिन भाषा, बोली और लिखित भाषा ये तीन प्रमुख रूप से रूप प्रचलित हैं। अच्छा, ये अलग अलग उसके प्रचलित नाम हैं। जी जी। अब हम भाषा और बोली जो यहाँ पर हमारा विषय है इसमें पहले अंतर संबंध इसका अंतर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामान्यतया प्राथमिक कक्षा के स्तर पर हम लोग विशेषकर इसमें बहुत विभेद नहीं करते हैं, लेकिन आगे चलकर इन दोनों के बीच के अंतर को जानना बेहद मैं भी बहुत उत्सुक हूँ इसके बीच के अंतर को। भाषा का प्रयोग मुख्यतः दो रूपों में करते हैं जी, एक बोलकर और एक लिखकर। साधारण शब्दों में जिस भाषा में लिप का अभाव होता है या लेखन में प्रचलित नहीं होती है उसे हम बोली कहेंगे। बोली भाषा के व्यापक संरचना की एक छोटी सी इकाई है। एक भाषा में कई बोलियां हो सकती हैं, इन्हें भाषा का प्रकारांतर या प्रकार कह सकते हैं। जैसे हिंदी को ही लें, हिंदी के विभिन्न रूप हैं, ब्रज है, अवधि है, बुंदेली है। इस क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। इसमें घरेलू और देशज शब्दों का पर्याप्त प्रभाव रहता है। अब इस पिरामिड में हम देख रहे हैं कि भाषा, उपभाषा और बोली तीन ये पदानुक्रम में रखे गए हैं, जिसमें भाषा का जो क्षेत्र है, जो एरिया है वो ज़्यादा व्यापक है, उसमें फिर उपभाषा है और फिर बोली है। कुछ विद्वान यहाँ पर बोली और विभाषा या उपभाषा के दो अलग अलग रूप मानते हैं। वहाँ बोली एक ऐसा रूप कहे जाएगी जहाँ साहित्यिक रचना का अभाव मिलता है। कुछ विद्वान बोली और विभाषा में अंतर नहीं करते हैं। वहाँ बोली मानक भाषा से नीचे प्रथम सोपान पर आती है। बोली और उपभाषा में अंतर करना भाषा विज्ञान में सार्थक होगा, पर शिक्षा शास्त्र में इसकी उपयोगिता मुझे नहीं लगती है कि बोली और उपभाषा क्या है। तो हम जो भाषा के बाद का जो स्तर है उसमें हम बोली और भाषा दो शब्दों का प्रयोग करते अच्छा, हैं। जी। बोली को हम भाषा का आदि रूप कह सकते हैं। भाषा का प्रथम प्रयोग बोलकर ही होता है और सबसे पहले मनुष्य ने बोलना शुरू किया, इसलिए भाषा का जो प्रथम रूप है वो बोलना है। बोली की तुलना में लिखित भाषा का इतिहास सैसव काल ही कहा जाएगा। जैसे कि बोली के इतिहास के बारे में जो अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि जो बोलचाल की भाषा है उसके अवशेष मिलना संभव नहीं है। जैसे ऐतिहासिक अवशेष मिल जाते हैं तो हम अनुमान लगा लेते हैं कार्बन डेटिंग से कि कितने साल पुराना है। तो वो लिपि का मिल सकता है, लिखित भाषा का मिल सकता है, लेकिन बोली का कोई हमें ऐसा अनुमान नहीं लगा सकता। तो ये हम अंदाज से ही कहते हैं कि ये 1.5 लाख वर्ष पूर्व लगभग मनुष्य ने बोलना शुरू किया होगा। मानव के उद्भव के साथ ही भाषा का उद्भव माना जाता है जी।
और जबकि लिपि तुलनात्मक रूप से एक नया संप्रदाय है, 5000 वर्ष पूर्व लिपि का विकास हुआ होगा ऐसा माना जाता है। वैसे बोली भाषा का ही एक रूप होती है। बोली और लिपि में अंतर करना एक सामान्य व आसान कार्य कह सकते हैं, लेकिन बोली और भाषा में अंतर करना एक स्वैच्छिक कार्य है। हम मतलब कि उसमें जानबूझकर थोड़ा अंतर करने की कोशिश करते हैं कि कोई विकसित भाषा है, कोई कम विकसित भाषा है, तो भाषा के एक हायरार्की जब बनाते हैं तो उसमें बोली और भाषा को रखते हैं। हम अपनी समझ के लिए दोनों में यहाँ अंतर करके देखते हैं, परंतु हमें दोनों के संबंध व समानता को नहीं भूलना चाहिए। आज भी हिंदी के मानक रूप को खड़ी बोली हिंदी कहते हैं, जो स्टैंडर्ड हिंदी है, जो भारत की राजभाषा है, उसका नाम है खड़ी बोली हिंदी। खड़ी बोली हिंदी। तो बोली शब्द से ही पता चल जाता है कि इसका विकास किसी क्षेत्र की बोली से हुआ होगा। तो बोली और भाषा में संबंध है, लेकिन ये विकास की जो परंपरा है, विकास कई तरीकों से होता है, साहित्य के माध्यम से या राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से, लोगों व्यापार के माध्यम से, तो जो जितनी विकसित भाषा है, जो उसकी एक भाषा बोली उपभाषा इस तरीके से एक हायरार्की बना दी गई। कहने का तात्पर्य शायद आपका यह है कि बोली जब परिष्कृत रूप में और परिनिष्ठित रूप में आती है तो भाषा का रूप ले लेती है, और यह एक विकास के क्रम में होता है। कोई भी भाषा अचानक नहीं पैदा हो जाती है, वो बोलियों की यात्रा से गुजर के वो भाषा बनती है। जी, जैसे अब यहाँ पर हम अपनी समझ के लिए अंतर करते हैं, भाषा और बोली हम यहाँ दो भागों में बांटते हैं। जैसे भाषा का एक उदाहरण है हिंदी, बोली का उदाहरण है बुंदेली, कन्नौजी, अवधि आदि। इससे हम समझ सकते हैं कि भाषा का व्यापक क्षेत्र है। हिंदी कई राज्यों में बोली जाती है, अब तो देश की भाषा है, और जो बोली है वो स्थानीय प्रयोग की भाषा है। जैसे भाषा है, लिखित और मौखिक दोनों प्रयोग होते हैं उसके, और जो बोली है सिर्फ मौखिक प्रयोग। मौखिक प्रयोग, ये मूल अंतर है। हाँ, अब जो भाषा है उसमें समृद्ध साहित्य उपलब्ध रहता है, और जो बोली है तो कतिपय रचना जैसे लोक साहित्य है या लोकगीत हैं, यहाँ तक उसकी सीमा है। अगर वो व्यापक साहित्य उपलब्ध है तो उसे भाषा कहा जाएगा। तो इसमें बदलाव भी होता रहता है, बोली भाषा बनती है, भाषा बोली बन जाती है, इसके उदाहरण हम बाद में चर्चा करेंगे। परिनिष्ठित और सुगठित वाक्य विन्यास होता है भाषा में, और बोली में शिथिल वाक्य विन्यास होता है। यहाँ पर हम एक उदाहरण समझ सकते हैं कि लोग अक्सर कहते हैं बहुत पेट भर गया है, जबकि पेट एक ही होता है, लेकिन लोग समझ जाते हैं कि बोली है कन्नौजी बोली, और जो कानपुर और आगरा क्षेत्र के बीच में बोली जाती है, लोग ऐसा प्रयोग कर लेते हैं, और जबकि कहने का तात्पर्य होता है कि पेट बहुत भर गया। तो ये एक शिथिल वाक्य विन्यास होता है, शब्दों का प्रयोग होता है लेकिन एक व्याकरण की शुद्धियाँ उसमें नहीं होती हैं। भाषा का औपचारिक और सचेत प्रयोग किया जाता है। हम मतलब कि जब भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत ध्यान देते हैं कि शुद्धि हो और संप्रेषण में कोई कन्फ्यूजन ना हो, त्रुटि ना हो। और जब बोली का प्रयोग करते हैं, हम बेपरवाह अनौपचारिक रूप से करते हैं, हम उसमें ध्यान नहीं देते हैं कि हमने किन शब्दों का प्रयोग किया है। शिक्षा में विषय के रूप में भाषा एक माध्यम हो सकती है जी, लेकिन बोली शिक्षा में स्थान नहीं रखती है। भाषा एक विषय भी हो सकती है और माध्यम भी हो सकती है, लेकिन बोली का कोई स्थान अभी तक किसी भी प्राथमिक कक्षाओं को छोड़ किसी राज्य में नहीं दिया गया। ये अंतर है भाषा। जो अब भाषा की बात करते हैं, बोली से थोड़ा जो ऊपर की स्थिति है भाषा की, क्या जिसे हम भाषा शब्द से कह सकते हैं, जब भाषा की बोली से अलग करके बात करते हैं तो इसे राजभाषा या साहित्यिक भाषा या शास्त्रीय भाषा कह सकते हैं। अच्छा, जब कोई उपभाषा अधिक साहित्य रचना, क्षेत्र विस्तार, राजाश्रय, व्यवसायिक प्रयोग आदि कारणों से विकसित होती है, तब हम उसे भाषा के स्थान पर रख सकते हैं। और ये समझने की बात है कि साहित्य रचना हिंदी में अधिक हुई, अंग्रेजी का भी यही इतिहास है, व्यापारियों के साथ इसका विकास हुआ, व्यापार का भी बहुत महत्व होता है, हिंदी के भी विकास में जो व्यापार है उसका विज्ञापनों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। आज भी योगदान चल ही रहा है, और पहले भी यही हुआ कि व्यापारियों के माध्यम से कई राज्यों में फैली हिंदी, और उसी प्रकार से हिंदी और इंग्लिश को मिलके इंग्लिश एक नया भाषा के रूप में, नई शहरों में नई भाषा
जन्म ले रही है, और शहरों में क्या शिक्षा में भी हम दो चार शब्द अंग्रेजी के बोलने बिना काम नहीं चला पाते हैं। जो अब हम एक उदाहरण देंगे इसी जगह पे कि जब हम गांव देहात में बात करते हैं, मेरा ये अपना अनुभव है कि जब हम पूछते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता क्या है तो लोग जवाब देर से देते हैं, नहीं दे पाते हैं। जब पूछते हैं कि क्वालिटी क्या है तो क्वालिटी शब्द तुरंत समझते हैं और ये एक हिंदी का शब्द मान सकते हैं आज, स्वीकार कर लिया जाता है हिंदी में। शिक्षा प्रशासन, मनोरंजन, उद्योग, संचार, पत्रकारिता आदि का माध्यम होती है, और शिक्षा में एक विषय के रूप में भाषा का स्थान होता है। तो इसे इन सब चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि भाषा क्या है। एक जो विषय है जिस शिक्षा का माध्यम हो सकती है, जिसका परिष्कृत व्याकरण है, नियमों पर आधारित है, ये भाषा है। अब जो लिखित भाषा है, ये भाषा और लिखित भाषा में अंतर करना उतना कठिन नहीं है। लिखित भाषा को परिभाषित करना और इसके विकास की ऐतिहासिक विवेचना करना भाषा की तुलना में, जिसे बोली कहेंगे यहाँ पे भाषा, भाषा बोली की तुलना में बहुत कठिन कार्य नहीं, क्योंकि एक मूर्त तत्व है, इसे हम देख सकते हैं। डैनियल महोदय ने लिप को इस प्रकार परिभाषित किया है, लिप न्यूनाधिक स्थायी चिन्हों की प्रणाली या पद्धति होती है जो किसी बोली या कथन विशेष को इस प्रकार से प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त होती है कि वक्ता के हस्तक्षेप के बिना लगभग वैसा ही पुनः प्राप्त किया जा सके। लिप का उद्देश्य दूरवर्ती संवाद को वस्तुनिष्ठ तरीके से स्थापित करना है। शिक्षा तकनीकी, जनसंचार, तकनीकी सूचना संप्रेषण तकनीकी क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि में गिना जाता है। जैसे जनसंचार तकनीकी और सूचना संप्रेषण तकनीकी के क्षेत्र में लिपि एक आविष्कार थी। जैसे आज हम कंप्यूटर और इस पर चर्चा करते हैं तकनीकी के विकास में, लिपि भी एक तरह की भाषा तकनीकी है। मानव ने अपनी अभिव्यक्ति को स्थायी बनाने के लिए कई तरह के प्रयोग किए हैं, जिन्हें हम गुफाओं में प्राप्त चित्रों से शुरू करते हुए शिलालेखों, ताम्रपत्रों, भोजपत्रों, पुस्तकों और आज वेबसाइटों पर एक नज़र डालकर समझ सकते हैं। बोली या बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हुए आप अपने सामने वाले व्यक्ति को अपना संदेश या विचार संप्रेषित कर सकते हैं, परंतु एक समय विशेष का प्रयोग ही किया जा सकता है इसमें। बोलचाल की भाषा की सीमा को पार करते हुए एक लिखित समय और स्थान के परे संप्रेषण का कार्य करती है। ये लिपि की एक विशेषता है कि आप एक समय को पार करते हुए, स्थान को पार करते हुए आपका जो संदेश है वो पहुंचाया जा सकता है लिपि के माध्यम से। ये बेहद ज़रूरी भी है कि इस अंतर को हमारे विद्यार्थी ठीक तरीके से समझें कि बोली पर निश्चित रूप में भाषा हो जाती है, और भाषा जब स्क्रिप्टेड फॉर्म में और लिखे हुए रूप में पेपर पर आ जाती है तो वह सुरक्षित हो जाती है, पीढ़ियां उसको देख सकती हैं, उसको पढ़ सकती हैं, उसको समझ सकती हैं। तो यह एक विकास के क्रम में भी इसको तीनों को भाषा ही कहा जाएगा, और तीनों को भाषा ही कहा जाएगा, जी, भाषा के रूप है। विश्व की शायद मनुष्य की वही आवश्यकता जो है कि एक अपना संप्रेषण को परमानेंट किया जा सके, यही आवश्यकता उसे लिपि के सर्जन के लिए बाध्य करती है। विश्व के सभी प्राचीन सभ्यताओं में किसी न किसी तरह मूर्त संप्रेषण अभिव्यक्ति के चिन्ह मिल जाते हैं। इससे हमें एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि लिप किसी भी विकास विकसित सभ्यता का अनिवार्य तत्व होती है। जैसे मेसोपोटामिया में, प्राचीन यूनान में, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि के जो अवशेष मिलते हैं उससे पता चलता है कि वहाँ लिप का प्रयोग होता था, होता था, और उसको आजकल लोग और इन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, या कर चुके हैं, प्रयास चल रहे हैं, और इन सभ्यताओं को एक विकसित सभ्यताओं में गिना जाता है, और विकसित सभ्यता की पहचान लिपि है, लिपि, क्योंकि प्रशासन और इन सब चीज़ों में लिखित भाषा के बिना हम नहीं सफल हो सकते हैं, इसलिए लिपि एक सभ्यता का पहचान। और हो सकता है कि शायद यही कारण हो कि लिपि का आविष्कार भी हुआ हो, जी, प्रशासन और मानव जीवन व्यवस्थित हो। प्रशासन के लिपि अनिवार्य शर्त होती है, यही कारण है कि स्वतंत्रता के प्राप्त के उपरांत हम राष्ट्रभाषा सुनिश्चित तो नहीं कर पाए, लेकिन हमने प्रशासनिक भाषा और लिपि सुनिश्चित की या करनी पड़ी हमको। हमारे देश में लिपियों का प्रचुर विकास हुआ है। इसके अलावा हम भारत भूमि से बाहर जन्मी रोमन और अरबी लिपियों का भी प्रयोग करते हैं।
हमारे देश में लिपियों के एक बहुतायत है, विभिन्नता है। जैसे खरोष्टी लिपि में हमें अभिलेख मिलते हैं, खरोष्टी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, और ब्राह्मी लिपि को हम लिपियों की माँ के रूप में जानते हैं। ब्राह्मी लिपि से बहुत सारी लिपियाँ जन्म लेती हैं और इसके कई वेरिएशन हैं साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में। तो जो नॉर्थ इंडिया में इसके वेरिएशन हैं उसमें गुप्त लिपि है, कुटिल लिपि है, शारदा लिपि है, बांग्ला लिपि है, प्राचीन नागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है। इसके जो पश्चिमी लिपि है, मध्य प्रदेशी लिपि है, तेलुगु कन्नड़ लिपि है, कलिंग लिपि है, ग्रंथ लिपि है और तमिल लिपि है। इनको ये ब्राह्मी से उत्पन्न ये दक्षिण भारतीय लिपियाँ कही जाती हैं। इसके दो शाखाएं बढ़ जाती हैं। इनके अलावा हमारे यहाँ रोमन लिपि का भी प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी की जो लिपि है, और अरबी लिपि का जो प्रयोग किया जाता है जो उर्दू की लिपि है। तो हमारे यहाँ लिपियों की एक तरह से बहुतायत है हमारे देश में। लिपि का विकास भाषा के उद्विकास के बहुत बाद में हुआ, जैसे कि पहले भी चर्चा की है कि बहुत बड़ा अंतर है भाषा और लिपि के विकास में। आप भाषाओं और लिपियों की संख्या में अंतर देखकर स्वयं समझ जाएंगे कि भाषा और लिपि दो अलग अलग तत्व हैं। स्रोतों के अनुसार शुद्ध लिपियाँ और वर्णमालाएँ 20 ही हैं। सभी प्रकार की लिपियों और वर्णमालाओं को जोड़ने पर भी इनकी संख्या 40 से अधिक नहीं हो पाती। पूरे विश्व में 40 लिपियाँ अधिकतम हो पा रही हैं, जबकि जो अभी नवीनतम जानकारी है इसके अनुसार पूरे विश्व में 7,099 जीवित भाषाएं हैं, और इन भाषाओं में 300 भाषाएं लिखित रूप में प्रयोग की जाती हैं। अर्थात भाषा लिखित रूप में ही हो या किसी भी भाषा का अस्तित्व की अनिवार्य शर्त नहीं है, किसी भाषा के लिए वो लिखित हो ये अनिवार्य नहीं है। तो लिपि और भाषा दो अलग अलग तत्व बन के आपके सामने स्पष्ट हो जाते हैं। अब बोली और लिपि में अंतर जो है उस पे हम चर्चा करते हैं। इस प्रश्न पे मैं आ भी रहा था कि आप हमें और हमारे विद्यार्थियों को दोनों को दो चीज बताइए इसमें। एक यह कि लिपि और बोली में अंतर क्या है, पहली चीज, और दूसरा क्या दोनों के बीच कोई संबंध भी है। तो इन दोनों चीजों को हम लोग जरूर कि आप स्पष्ट करें। जरूर, लिपि का प्रयोग बोली की तरह कोई जैविक या आनुवांशिक कारण नहीं होती है। जैसे भाषा जो बोली है उसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो उसमें आनुवांशिक भी माना जाता है भाषा को, या एक बायोलॉजिकल थ्योरी है उसमें से हम बायोलॉजिकली भाषा के लिए वायर्ड हैं, ऐसी हमारी बॉडी की टेक्नोलॉजी है। तो हार्ड वायर्ड जिसे कहते हैं, जैविक ब्रेन हमारा हार्ड वायर्ड है। जैविक और आनुवांशिक कारण भी है भाषा, लेकिन बोली जो है, जो लिपि है, वो जैविक आनुवांशिक कारण नहीं है। कोई भी मानव शिशु अपने वातावरण में बोली जाने वाली भाषा को सीखे बिना नहीं रह सकता। अगर वो सामान्य बालक है या सामान्य बालिका है तो अपने वातावरण में रहते हुए भाषा को सीख ही लेती है। लेकिन इसके विपरीत कोई जो लिपि है वो नैसर्गिक क्रिया नहीं है। बिना अन्वेषण के, बिना शिक्षण के कोई बच्चा लिखने और पढ़ने की क्रिया प्रारंभ नहीं कर सकता है। बोली की अपेक्षा लेखन एक सचेतन क्रिया है। हम बोल तो सकते हैं, थोड़ा अवचेतन मन से भी बोल सकते हैं, बिना चीज़ों को समझे भी बोल जवाब दे देते हैं, लेकिन जब हम लिखेंगे तो हमें बहुत ही सचेत होकर लिखना पड़ता है। इसका मतलब डॉक्टर साहब, बोलना जो है वह एक आंतरिक क्रिया है। बोलना हम लोग बहुत लर्न्ड बिहेवियर नहीं है वो। जी, वो नेचुरल है। लिखना जो है वो लर्न्ड बिहेवियर है, उसको हमें सीखना पड़ता है। उसको सीखना पड़ता है। जैसे लिपि है एक प्रकल्पित तत्व है, उसकी रचना की गई, उसको बनाया गया है, जिसकी रचना सचेतन रूप से की गई है। जबकि भाषा एक उद्विकसित मानव क्षमता है, जिसकी उत्पत्ति मानव के लाखों वर्षों के उद्विकास के इतिहास में छिपी हुई। आज भी हम नहीं कह सकते भाषा का विकास कैसे हुआ, बोली का विकास कैसे हुआ। सभी सब यहाँ पे जरा सा एक बात मैं आपसे जानना और समझना चाहूँगा कि जो 4 लैंग्वेज स्किल हैं, जी जी, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि बोलना जी और सुनना जी, इसमें सीखने जैसी कोई बात नहीं है। नहीं, ये तो सामान्य नैसर्गिक क्रिया है। जबकि लिखना
और पढ़ना, ये हमको सीखना पड़ता है। जी, सीखना पड़ता है। ये एक शिक्षा से जुड़ा हुआ सब मामला है। हाँ। सभी भाषाएं एक लिपि में और एक भाषा सभी लिपियों में लिखी जा सकती है। आज सूचना तकनीकी के समय में आपके लिए समझ कठिन नहीं होगा समझना कि किसी भी भाषा की लिपि में परिवर्तन किया जा सकता है। अपनी गतिशील व प्रवाहमय लक्षण के कारण बोली धीरे धीरे विकसित होती है और विलुप्त भी हो सकती है। कई बोलियां विलुप्त हो गई हैं। कन्नौजी जो बोली है आज विलुप्त होने के कगार पे है। हम उसी भाषा क्षेत्र से हैं और हमारी पीढ़ी में अब गाँव में भी कोई प्रयोग नहीं करता। खड़ी बोली हिंदी ने कानपुर के आसपास के क्षेत्रों में जी स्थान बना। लिपि के लिखने और प्रयोग के तरीके में परिवर्तन होते हैं, पर इस परिवर्तन किसी बोली की तुलना में नगण्य ही कहे जा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कोई भी लिपि तुलनात्मक रूप से भाषा की अपेक्षा अधिक लंबी उम्र की होती है। भाषा विज्ञान को जब हम मनोविज्ञान के साथ जोड़कर समझते हैं, तब लिपि भाषा विज्ञान के पाले को छोड़कर संकेत शास्त्र या लक्षण विज्ञान जिसे सीमियोटिक्स के कहते हैं की तरफ खड़ी दिखाई देती है। जैसे भाषा मनोविज्ञान में जो भाषा है वो एक संज्ञानात्मक क्षमता है, और जबकि जो लिपि है वो संकेत का विज्ञान है। तो क्योंकि मनोविज्ञान के अनुसार भाषा एक संज्ञानात्मक अमूर्त क्रिया हो जाती है, जबकि लिपि मूर्त व स्थूल प्रकृति की होती है। अब हम अंतर के बाद संबंधों पे, अब संबंध पे जो आपने प्रश्न किया था उस पे बात करते हैं कि बोली और भाषा में संबंध क्या है। संबंध क्या है? तो पहले तो हम भाषा और लिपि दोनों ही समाज विशेष की संस्कृत का प्रतीक होती है, भाषा भी होती है। जैसे हमने भाषा के संप्रत्यय में पढ़ा था कि भाषा सामाजिक राजनीतिक पहचान होती है, सशक्त पहचान होती है, और ये जो लिपि है सभी विकसित सभ्यताओं की एक जरूरत होती है, पहचान होती है। तो लिपि और भाषा दोनों ही संस्कृत के अंग हैं, इसमें एक ही संबंध है। दूसरा ये कि अंतर में हमने समझा कि भाषा को समाज में रहते हुए हम सीख लेते हैं, जबकि लिपि सीखने के लिए शिक्षण की आवश्यकता होती है, ये अंतर में हमने। अब यहाँ इसी बिंदु पर एक संबंध भी है। ये नैसर्गिक क्रिया जो सीखने की होती है, ये जो नैसर्गिक अधिगम कहेंगे, ये प्रक्रिया मातृभाषा में ही होती है। अन्य भाषाओं के सीखने के लिए हमें शिक्षण या अनुदेशन की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा जब तक कि हम उस भाषा विशेष के लोगों के मध्य रहने ना लगे, उस परिवेश में ना रह रहे। अतः दोनों में ही शिक्षण की आवश्यकता होती है। शिक्षण से मतलब कि भाषा और बोली दोनों का शिक्षण हो सकता है, आवश्यकता है, ये एक बिंदु बनता है इसके संबंध का। भाषा सूक्ष्म व अस्थायी तत्व होती है, इसको स्थूल व चिरस्थायी बनाने के लिए लिपि अपना संबंध निभाती है। ये सबसे बड़ा संबंध है कि किसी भाषा को जीवित, लंबे समय तक जीवित रखने के लिए और उसको अमूर्त से मूर्त बनाने के लिए लिपि का जब संबंध होता है तो वो भाषा कहलाती है। और ये हमने अंतर में भी समझा कि भाषा बोली में जो अंतर है कि भाषा एक लिखित और मौखिक दोनों होती है, और बोली सिर्फ मौखिक होती है। तो जब लिपि जुड़ जाती है तो भाषा एक अधिक विकसित संकल्पना कही जा सकती है या एक पूर्ण संकल्पना कह सकते हैं। दोनों ही अभिव्यक्त का माध्यम होती हैं, भ्रम रहित व बाधा रहित संप्रेषण में दोनों एक दूसरे की पूर्ति करती हैं। आप शिक्षक हैं और आप जब कक्षा में पढ़ाते हैं तो बच्चों तक अपनी बात सही तरीके से पहुंचाने के लिए आप जो चीज़ बोल रहे होते हैं कभी कभी उसके मुख्य बिंदुओं को श्याम पट पे लिख भी देते हैं। तो जो लिखने की प्रक्रिया है एक दूसरे की पूर्ति करने की प्रक्रिया है। तो भाषा जो बोली है, भाषा के जो दुरूप हैं बोली और लिपि, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यही संबंध है दोनों में। बहुत सहज और सरल तरीके से डॉक्टर साहब आपने विशेषकर जो कठिन विषय है कि लिपि बोली और भाषा के अंतर संबंधों को हमारे सामने रखा। तो विद्यार्थियों, इस कक्षा में हमने जिस चीज़ को जाना समझा वह यह था कि भाषा, बोली और लिखित भाषा, इन तीनों की क्या संकल्पना है, इन तीनों के क्या महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। इसके साथ साथ हम लोगों ने यह जानने और समझने की कोशिश की कि भाषा एवं बोली में अंतर क्या है, कौन कोई बोली किस प्रकार से भाषा का रूप ले लेती है, यह भी जाना और समझा।
अगली बात जो डॉक्टर साहब ने बताई वह थी लिखित भाषा या लिपि किसे कहते हैं और दोनों क्या अंतर संबंध है। तो डॉक्टर साहब इतने सहज सरल तरीके से और भिन्न भिन्न उदाहरणों को और विशेषकर ऐसे उदाहरण जो कि हमारे परिवेश से संबंधित है, जो कि NCF 2005 भी कहता है कि आप अपने परिवेश की चीज़ों को देखें, अपने परिवेश की चीज़ों को समझें, तो वहाँ से आपने उठाते हुए बोली भाषा और लिखित भाषा के संप्रत्यय को हमारे विद्यार्थियों के सामने आसान भाषा में रखा। इसके लिए हम आपका हार्दिक धन्यवाद देते हैं और अगली कक्षा में किसी नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, नमस्कार और नमस्कार। आप सबको आभार और धन्यवाद।